तो फाइनली Redmi Note 13 Pro का फुल रिव्यू आज आपको यहां पर देने वाले हैं और काफी सारे ऐसी चीजें आपको बताएंगे जो आपको पहले कहीं नहीं पता होगी। बहुत सारी चीजें हमें पता चली है। फोन को लेने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सब्सक्राइब बटन को रंगीला कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सबसे पहले बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। अब यहां पर आपको Android 13 और MIUI 14 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। बीइंग अ 25,000 कैटेगरी स्मार्टफोन, ये मुझे लगता है कि आउटडेटेड है, क्योंकि Android 14 एटलीस्ट होना चाहिए था। अब जैसे कि पोको वालों ने इस प्राइस रेंज पर पोको X6 Pro लाया जो Android 14 पर है। बहुत सारी ब्रांड्स कोशिश कर रही है, इनफैक्ट Motorola G34 10-11,000 की रेंज का फोन और वो Android 14 पर आ रहा है, 2024 आ गया है, तो एटलीस्ट ब्रांड को यहां पर Android 14 देना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से फिर उन्होंने जो 3+4 ईयर्स की बात करी, इसमें 3 साल के ईयरली अपडेट्स, 4 साल सिक्योरिटी पैचेस, तो मेरे लिए वो 2 साल ही होगा, क्योंकि फिर एंड्रॉइड 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 14 तो पहले ही आ जाना चाहिए था, तो वो 14 को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये चीज थोड़ा उनको पहले करना चाहिए था सही। बाकी सिक्योरिटी अपडेट की बात करें तो इसमें हमने दिसंबर का चेक किया, दिसंबर का ही सिक्योरिटी अपडेट था, उसके बाद कोई अपडेट यहां पर अभी आया नहीं है। और बाकी अगर आप इंटरफेस देखेंगे तो काफी स्मूथ है, फास्ट है, इसमें हमने कोई हैंग लैग या कोई ज्यादा बग्स नहीं देखे। हां, ग्लैंड्स लॉक स्क्रीन आपको मिलता है बहुत सारे, आप देखेंगे इस तरीके से ये कार आ गई, फिर ये एक और आ गया, फिर वापस से मैं आपको दिखाऊं, तो इस तरीके से अलग अलग आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिलेगी, जिसको आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हैं, इतना जबरदस्ती नहीं। बाकी हमने प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देखे, ब्लोटवेयर देखे, बहुत सारी चीजें थी, इन सबको निकाल सकते हैं एज ऑलवेज Xiaomi के फोन्स में ये रहता है। बट यहाँ पर गेट ऐप्स इनका जो है वो निकलता नहीं, उसके नोटिफिकेशन आते रहते हैं, कहीं ना कहीं उसको भी आपको डिसेबल करना पड़ेगा। बाकी कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो MIUI डायलर चलता है, और अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है, बस अपडेट्स के मामले में थोड़ा पीछे रह गया, ये मैं जरूर कहूंगा। रही बात डिस्प्ले की, दोस्तों मैंने बहुत सारे फोन्स इस्तेमाल किए, प्रीमियम फोन्स भी देखा हो, सबके डिस्प्ले मुझे बहुत अच्छे लगे। जिस प्राइस पर आपको ये फोन मिलता है, इसका डिस्प्ले कमाल का है। जब मैं रूम में एंटर किया, फोन टेबल पर रखा हुआ था, मैंने उठाकर 2-4 मिनट तो डिस्प्ले को ही देख रहा था, कमाल का डिस्प्ले, मतलब उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। एक तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसका बहुत कम है, अगर आप यहां से देखेंगे तो कितना कम आपको यहां पर चिन्ह देखने को मिलता है। पंचोल सेंटर में छोटा है, स्क्रीन गार्ड लगा कर दिया है, और इस पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोडक्शन दिया है, जो कि प्राइस रेंज पर हमें देखने को नहीं मिलती, जो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। फ्लैट डिस्प्ले कर्व नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लैट बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ यहां पर आपको उसमें 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट मिलती है। अगर आप लिटरली देखोगे तो स्मूथनेस यहां पर इसकी काफी अच्छी है, अगर आप देखोगे इस तरीके से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत ही बढ़िया यहां पर स्मूथनेस है। और साथ ही साथ यहां पर आपको 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। मैं आपको सामने से अगर आप देखोगे इस तरीके से ऑलमोस्ट वैसे फुल ब्राइटनेस है, ये देखेंगे इस तरीके से, अगर मैं ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं, आप देखिए डिस्प्ले के अंदर पैनल कितना अच्छा इस्तेमाल किया गया। ये एक AMOLED पैनल है और यहां पर आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो कमाल का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहां पर इसमें नेटफ्लिक्स की बात करें तो इसमें डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया गया, हमने पर्सनली चेक किया। प्राइम वीडियो की बात करें तो HD का आपको यहां पर सपोर्ट मिलता है, उसमें HDR का सपोर्ट नहीं है। बाकी तो उसमें अगर आप इंटरफेस की बात करेंगे तो 120 सब जगह पर चलता है, एप्स में भी चलता है, यूट्यूब पर 60 पर चला जाता है, और यूट्यूब पर मैक्स 2160p का आपको वीडियो का सपोर्ट मिलता है। बट डिस्प्ले एक्सपीरियंस जबरदस्त है, ह्यूज लगती है, और इसके चिन्ह वगैरह इतने कम है, और जो ब्राइटनेस और जो एक्सपीरियंस है वीडियो का भी, वो डेफिनेटली इसमें बहुत ही कमाल का है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो देखिए 5G का सपोर्ट है, डेफिनेटली मल्टीपल 5G आपको बैंड्स मिलते हैं, और हमने इसमें देखा तो वोल्टी 5G निकल कर आता है, जी हाँ, और यहाँ पर आपको वोल्टी मिला है तो और भी बेहतर 5G नेटवर्क और डेटा का यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर इसमें आपको वाईफाई 5 मिलता है, जो कि हमने इनकी वेबसाइट पर भी चेक किया और मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया, क्योंकि चिपसेट इतनी एडवांस है और उसमें सिर्फ वाईफाई 5 का सपोर्ट दिया, एटलीस्ट 6 होना चाहिए था। ब्लूटूथ 5.2 है और आपको वाइडबैंड L1 है, कैमरा 2 API और सारे जो सेंसर्स हैं उन सब सेंसर्स का सपोर्ट मिलता है। बैटरी की बात करते हैं दोस्तों, 5100mAh की आपको यहाँ पर बैटरी मिलती है और 67W एडेप्टर आपको बॉक्स में दिया गया है, और बॉक्स भी रेड कलर का आपको बढ़िया मिलता है, एक अलग से बैक केस भी अच्छी क्वालिटी का दिया, तो बॉक्स में कॉन्टेंट दिए। अगर मैं बैटरी ड्रेन टेस्ट की बात करूँ, उससे पहले चार्जिंग की बात करते हैं, तो हमने यहाँ पर 0-100% इसको चार्ज किया और 44 मिनट्स इसको लगभग लग गए, मतलब डिपेंड करता है किस कंडीशन में ये चार्ज हो रहा है, बट ऑन एवरेज 40-45 मिनट के आसपास ये इसको फुल चार्ज कर देगा 0-100%। अब आगे बैटरी ड्रेन की बात करें तो हमने रात के 3 बजे इसको 100% चार्ज किया और YouTube पर हमने एक बढ़िया 4K वीडियो लगाया फुल ब्राइटनेस के ऊपर, और सुबह के 9 बजे तक 6 घंटा हमने कंटिन्यूसली प्लेबैक किया और ये 48% पर आकर गिरा, यानी कि ऑलमोस्ट 50% इसकी बैटरी ड्रेन हुई 4K वीडियो प्लेबैक करने पर, जो कि अच्छे रिजल्ट्स थे। उसके बाद हमने फिर से यहां पर एक और 1 घंटे का 4K वीडियो
रिकॉर्डिंग का यहाँ पर टेस्टिंग किया और उसके अंदर भी लगभग हमने एक घंटा किया तो ये 30% तक आ गया। इससे ये पता चलता है कि हमने जो टेस्ट किया था वो थोड़ी एक्सट्रीम थी और इससे फिर भी बैटरी 30% रिमेनिंग थी ऑलमोस्ट 12 घंटे के टेस्ट में। अगर आप इसको नॉर्मली पूरे दिन यूज़ करते, गेम्स खेलते, दूसरे टास्क करते, सब कुछ करते तो 1 से 1.5 दिन का बैकअप आपको इसमें आराम से मिलेगा। तो बैटरी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट हमने जब टेस्टिंग भी किया था हमने एक चीज़ और ये भी नोटिस करी कि इसमें बिल्कुल भी हीटिंग, मेजर हीटिंग का इशू नहीं था। यहाँ पर बस इस तरफ थोड़ा वार्म हो जाता है, बट ओवरऑल इसको भी जो उन्होंने मैनेज किया वो बहुत अच्छा किया है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 और ये 4 nm पर काफी बैटरी इफिशियंट है और यहाँ पर एंड्रॉइड स्कोर्स इसके अराउंड 6 लाख के आसपास थे, विच वॉज क्वाइट एक्सेप्टेबल। थोड़ा और ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस फोन के हिसाब से। बाकी तो सीपीयू ट्रॉटलिंग 73% के आसपास था, ट्रॉटलिंग भी ठीक लगा मुझे लगता था। मैं ऐसा समझ रहा था कि 80 के ऊपर या 85 तक जाना चाहिए था, बट वैसे कुछ नहीं था। बट यहाँ पर मैक्स जो हीट हुआ था वो ज्यादा नहीं था, अराउंड 41.6 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था, तो इस पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये फोन ओवरऑल टेस्टिंग में हमारे ज्यादा हीट नहीं किया, तो ये एक चीज है जो उसमें ये पास हो गया। बट यहाँ पर LP DDR 4X और UFS 2.2 है जो कि मुझे कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगा। रीजन ये है कि एक 25,000 का स्मार्टफोन है। देखिए पोको X6 आया है 20,000 की रेंज में, उसमें है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इस प्राइस रेंज पर 25,000 का बैरियर है, वहां पर एटलीस्ट LP DDR 5 या इधर 5X या UFS 3.1 या UFS 4 आपको देना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। उसके बावजूद भी अगर मैं आपको थोड़ा सा लाइव मल्टीटास्किंग करके दिखाता हूं तो आप देखोगे ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग ये सारी चीजें स्मूथ है क्योंकि आपको इसमें चिपसेट यहां पर काफी अच्छी मिलती है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्टिल वो चीज यहाँ पर अच्छी इसमें होनी ही चाहिए। बाकी अगर आप गेमिंग की बात करते हैं तो BGM अगर आप HDR अल्ट्रा पर सेट करो, कॉल ऑफ ड्यूटी आप खेलो, इनफैक्ट हमने इसमें आधा घंटा जेंशन इंपैक्ट जैसे गेम को खेला कंटिन्यूसली, मैक्स 43 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था जो कि एक्सेप्टेबल था और साथ ही साथ इसमें 58-60 FPS हमने देखा। ओवरऑल मुझे लगता है कि गेमिंग के मामले में ये चिपसेट काफी अच्छी है, थर्मल्स के मामले में भी अच्छी है, बस LP DDR 4X और UFS 2.2 प्राइस के हिसाब से जस्टिस नहीं करता है। उसी के साथ हमने एक वीडियो रेंडर टेस्ट करने की सोचा Redmi Note 13 में, एक फुल HD वीडियो लिया हमने और उसमें रेंडर करा, लेकिन यहाँ पर हमने सोचा कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं और हमने दो फोन्स चूज किया। एक तो पोको F5 जिसमें स्नैपड्रैगन प्लस जेन 2 था और हमने Motorola H40 Neo Dimensity 7030। अब तीनों को एक साथ जब हमने रेंडरिंग किया तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सरप्राइजिंगली पहले तो एक्सपेक्टेड था कि पोको F5 ही जीतेगा जो 4 मिनट में रेंडर कर लिया, लेकिन सेकंड नंबर पर आया Motorola का H40 Neo जिसने 5 मिनट के आसपास रेंडर कर लिया। फाइनली Redmi Note 13 हुआ जब जाके 8 मिनट लगा इसको। चिपसेट तो बहुत अच्छी है Snapdragon 7S Gen 2, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइजेशन की बातें जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया और Redmi में हमें ये चीज़ थोड़ी कमी दिखाई दी। कैमरे की बात करते हैं दोस्तों, 200 मेगापिक्सल आपको यहाँ पर सेंसर मिलता है और ये आपको सैमसंग सेंसर है, ISOCELL HP3 यहाँ पर दिया गया और इसमें आपको OIS मिलता है। मैक्स 4K वीडियो आप 30 FPS पे शूट कर सकते हैं और स्लो मोशन जो है वो 240 FPS 720p जो क्वालिटी आप देखेंगे तो विच इज क्वाइट गुड नॉट बैड। और जहाँ पर आपको फोटो के अंदर 10x जूम मिलता है, अगर आपको थोड़े जूम फोटोज लेना है तो उन्होंने डिजिटली दिया आप ले सकते हैं। इनफैक्ट वीडियो में भी आपको 6x जूम मिलता है। बाकी कैमरे में काफी सारे टिपिकल Xiaomi फीचर्स आपको दिए गए हैं जिसका फायदा उठा सकते हैं, पोर्ट्रेट है, ये वो है। इनफैक्ट नाइट के अंदर भी आपको सेल्फी में उन्होंने नाइट मोड दिया है, तो अगर आपको नाइट में भी थोड़ी सेल्फीज लेना है वो आप यहां पर निकाल सकते हैं। उसके बारे में कैसे फोटोज आए वो आगे बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको सेल्फी वीडियो की बात करते हैं और सेल्फी रेजोल्यूशन की बात करें तो आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है और साथ ही साथ फुल HD 60 FPS, कोई 4K का आपको यहां पर सपोर्ट नहीं मिलता है। अब मैं पहले फोटोज की बात करता हूं डे की। हमने फोटोज देखा तो अच्छे, नॉट बैड, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट कुड हैव बीन मोर बेटर, थोड़े और भी अच्छे हो सकते थे, देखकर थोड़ा फीका लगा मुझे। इनफैक्ट अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स देखते हैं, ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स रियर कैमरे से, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जब मैं देख रहा था और अच्छा होना चाहिए था, ऐसा मुझे फील है। क्योंकि अगर आप वन प्लस के फोन देखते तो उनके फोटोज काफी अच्छे निकल रहे थे, इनफैक्ट सैमसंग तो टॉप है, बट स्टिल एटलीस्ट रेडमी को अपने इन पोर्ट्रेट पर थोड़े काम करने चाहिए। मार कहां खा गया जब हमने सेल्फी लिया, और अगर आप देखोगे इसमें जो पोर्ट्रेट है आप देखो डेफिनेटली इसमें एज डिटेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं। हमने एक नहीं, हमने चेक करने के लिए 3-4 फोटोज लिए, सभी में अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको जो एज डिटेक्शन है वो बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं इसको आपको काम करना पड़ेगा Xiaomi, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इशू है और एक 25,000 रुपए का फोन है और उसमें इस तरीके की एज डिटेक्शन जो हमें 10,000 के फोन में इससे अच्छे मिल जाते हैं, तो एटलीस्ट इस मामले में उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह कि जो वीडियो निकल कर आया डे का वो काफी अच्छा था, मैं सरप्राइज्ड हो गया, बहुत अच्छी स्टेबलाइजेशन थी, डायनामिक रेंज काफी अच्छा था, इनफैक्ट जो सेल्फी वीडियो थी वो भी बहुत अच्छी निकल कर आई थी। तो कहीं ना कहीं वीडियो में उन्होंने काम किया है, फोटोज में उनको काम करने की जरूरत है। सेम गोस फॉर नाइट, नाइट में भी अगर आप फोटोज देखेंगे तो मुझे फीका लगा थोड़ा सा, फ्लैर्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए अब ये कोई वीवो और ओप्पो का फोन नहीं है कि वो लोग उनका अलग R&D होता है उसी मामले के लिए,
ये एटलीस्ट उस मामले में इतना डीप में जाएंगे तो फिर तो कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी, बट स्टिल फोटोज थोड़े बेटर हो सकते हैं। बट लेकिन ये वाला जो फोटो देखेंगे नाइट में वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक आइसक्रीम कार्ट खड़ी है और एक टैक्सी खड़ी है, अगर आप देखोगे तो डिटेलिंग बहुत अच्छी है, जूम करेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। इनफैक्ट यहाँ पर फोटोज ब्राइट निकल कर आते, अगर आप डार्क कंडीशन में भी होगे तो फोटोज ब्राइट आते, और वीडियोज के मामले में तो बहुत अच्छी फोटो क्वालिटी निकल कर आई है। अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली वीडियोज ब्राइट रहते हैं नाइट में भी, तो डे के और नाइट के वीडियो से मैं बहुत इंप्रेस था जो मैंने इस फोन में यहाँ पर देखा। नाइट सेल्फी भी दूर मुझे ठीक लगी, कुड हैव बीन बेटर, मैं ऐसे कह सकता हूँ। बस Xiaomi को कहीं ना कहीं अपने फोटोज पर काम करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी, एजिटेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, बाकी ओवरऑल वीडियो के मामले में तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। डिजाइन की भी बात कर लेते दोस्तों, आपको यहाँ पर पीछे जो है ये आपको अलग अलग कलर्स मिलेंगे, मिडनाइट ब्लैक है, आर्टिक व्हाइट हमारे पास व्हाइट है, और एक पर्पल कलर भी आपको मिलेगा, विच इज क्वाइट गुड। बट लेकिन यहाँ पर ये जो है वो ग्लास बैक है, विच इज वेरी वेरी नाइस, हमने ऑफिशियली चेक किया, इनकी वेबसाइट पर भी हमें पता चला। फ्रेम्स आपको प्लास्टिक में मिलते हैं और इसका जो वेट थिकनेस है वो भी अच्छा है, 7.98 mm की थिकनेस और 187 grams, तो बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल आपको यहाँ पर जब आप इसको होल्ड करते हो तो आपको फील आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर्स यहाँ पर मिलते हैं और स्पीकर की क्वालिटी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी। मैं आपको एक हमने मेमोरी में डाल के तो रखा था, अगर वहीं से अच्छा तो देखो मेमोरी मैनेजमेंट भी ठीक है, वहीं से शुरू हो गया, हम प्ले करके सुनाते हैं। ओके गुड, बाकी आपको 3.5 mm जैक दिया है जो कि नहीं होता है 25,000 की रेंज में, उन्होंने यहाँ पर किया है। आपको यहाँ पर एक माइक ऊपर एक नीचे डुअल माइक दिया है, आयर ब्लास्टर दिया है, और एक चीज़ आपको बताना भूल गया, इसमें आपको एक्स एक्सिस लीनियर मोटर भी दिया है, तो जब भी आप वॉल्यूम बटन्स इनफैक्ट मल्टीटास्किंग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का हैप्टिक्स मिलता है, वो सारे Redmi के फोन्स में होता है, और ये चीज़ मुझे उनकी काफ़ी अच्छी लगती है। नीचे सिम ट्री भी है, सिम ट्री आपको सिर्फ डुअल है, हाइब्रिड भी नहीं दिया है, और आपको टाइप सी पोर्ट है, और इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि बहुत अच्छा है, फास्ट है और रिस्पॉन्सिव है। तो मुझे अच्छा लगा कि Xiaomi वालों ने Redmi वालों ने डिसाइड किया कि आप साइड माउंटेड को छोड़कर हम कुछ अंडर डिस्प्ले वाला एक्सपीरियंस करते हैं, और ये पहला ऑलमोस्ट उनके Redmi सीरीज का फोन है जिसमें हमने अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखी है जो उन्होंने यहाँ पर कर दिखा है। बाकी आपको इसमें IP54 की रेटिंग्स भी मिल जाती है, तो पानी के छींटे बिटे उड़े तो कुछ हद तक ये फोन को बचा भी सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी चीजें थी इस फोन के बारे में, अच्छा बुरा हमने आपको सब कुछ बता दिया। अब आते हैं हमारे एग्जैक्ट कंक्लूजन की तरफ, और ये मेरा फाइनल वर्डिक रहेगा कि इस फोन के बारे में मुझे क्या लगता है और आपको क्या लेना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब प्राइस की बात करें तो 8GB रैम, 128GB स्टोरेज जो कि 26,000 एटलीस्ट, अगर देखिए सैमसंग तो नहीं करेगा, वीवो ओप्पो भी नहीं करते, बट एटलीस्ट Redmi का फोन है या पोको का फोन है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 8256 हो, जैसे कि उन्होंने पोको X6 प्रो के साथ किया 8256 से स्टार्ट किया, पोको की थोड़ी बात अलग है। तो यहां पर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो बेस वेरियंट है वो एटलीस्ट 8256 से ही स्टार्ट होता और इसी प्राइस पर आता, हाउएवर इनका 8256 है जो 28,000 तक चला जाता, फिर 12256 है जो 30,000 तक है, ऑफर पर 2,000 पे कम मिल रहा है, तो अंडर 25,000, और अगर सेल पर भी ये अंडर 25,000 आता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये फोन अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम कैमरा, तो कैमरे में उनको कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, बस चिपसेट अच्छी है, बहुत अच्छे स्कोर्स दिया है, थर्मल्स कमाल के, कैमरा जैसे कि मैंने कहा इंप्रूवमेंट्स चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए था पहले से, एंड्रॉइड 14 होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बाकी डिस्प्ले ज़बरदस्त है और बैटरी भी काफ़ी अच्छी है। तो ये मेरा वर्डिक्ट है और मैं डेफिनेटली रेकमेंड कर सकता हूँ, बट मेरा मानना है कि अगर सेल वेल भी हो तो और कम प्राइस पर मिले तो और भी मज़ा आएगा। बाकी कंपैरिजन अगर आपको चाहिए पोको X6 प्रो के साथ या पोको X6 के साथ, और भी कुछ इस फोन के बारे में आपको देखना है तो कमेंट में करो बताना, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।